आसिबा संपूर्ण खबर को बरगढ़ जिला जगदलपुर थाना अंचल रे झड़ तोफान संध्या सातटे प्रबल झड़ तोफान सहित कुआपथर माड़ होता प्राय अधघंटा धरी झारबंध ब्लक शिकारीपाली लौड़ी हरदा कुर्मा गौड़माल लहंडीपुर एवं चर्दापाली लखमरा पंचायत अंचल रे कुआपथर माड़ होता अदिनिया वर्षा और कुआपथर माड़ जो चाषी पनीपरिया नष्ट होता बेले अंचल विद्युत सरबराह बंद रही कुआपथर एवं अदिनिया वृष्टि जो अनेक परिमाण में चाष एवं पनीपरिया क्षति होता चाषी अभोग आनी संपर्क में अधिक सूचना आम सहित रही प्रतिनिधि रंजन कुमार देवता रही रंजन जो भाव में अदिनिया कुआपथर और वर्षा होता पखापाखि केत समय धरी यही वर्षा लग रही क्षय क्षतिर परिमाण कि जना पड़ा कि देखो तपन आज सन्धार बरगढ़ जिला झारबंध ब्लॉक जगदलपुर थाना अंचल प्रबल झड़ तोफान और कुआपथर माड़ होता आप देखिपे आम टीवी न्यूज एजेन ओडिया फास्ट विजन देखिपे एक्सक्लूसिव विजन देखिपे केमी से ही अंचल में दीर्घ अधघंटा धरी प्रकृति तांडव करता कुआपथर माड़ होता झड़ तोफान होता पवन बोला और घेर में अंचलवासी भयभीत हो पड़ते संध्या सतटा समय पखापाखि तीस मिनिट धरी से ही अंचल आम झारबंध ब्लॉक लौड़ीधरा शिकारीपाली गौड़मा लहंडीपुर चर्दापाली लोकमरा यही पंचायत अंचल में प्रबल कुआपथर माड़ा और वर्षा होता जोद्वारा लोके भयभीत हो पड़ते प्रबल वर्षा और कुआपथर माड़ जो विद्युत सरबराह से अंचल में विच्छिन्न हो पड़ी सब गुरुत्वपूर्ण है बर्तमान एवं चाषी पनीपरिया उत्पादन होगा जाऊला मुग बिरी उत्पादन होगा जाऊला कितु अदिनिया वर्षा और कुआपथर माड़ जो चाषी मुग बिरी पनीपरिया आदि नष्ट होता चाषी मैंने अभोग तेरे आगू जदि ये कुआपथर माड़ और प्रबल वर्षा लगि रहे तेल चाषी बहुत मात्रा लक्ष लक्ष ट मुग बिरी पनीपरिया यू संपूर्ण नष्ट होवार प्रबल आशंका देपटे रंजन बरगढ़ जिले में पाखापाखि केतोटी पंचायत भाव में अदिनिया वर्षार प्रभाव देखा मिलता ना संपूर्ण बरगढ़ जिले में यह भाव में प्रभाव देखा मिली देखु बर्तमान बरगढ़ सहर में बर्तमान टुपुर टापुर वर्षा मेघुआ पाख उठेला आकाश में बिजली चमकुची और वर्षा मैं टुपुर टापुर होगा कितु झारबंध ब्लॉक बरगढ़ जिला जो झारबंध ब्लॉक रही जो रही शिकारीपाली पंचायत लौड़ीदरा पंचायत चर्दापाली पंचायत लखमरा पंचायत पखापा चार पांचटी पंचायत अंचल में सेपटे छत्तीसगढ़ बोर्डर में प्रबल झड़ तोफान और कुआपथर माड़ा चाषी पाखु सूचना मिली यही कुआपथर में बहु चाषी पनीपरिया मुग बिरी आदि नष्ट होता सूचना मिली तेरे जो चाषी मानक अदिनिया झड़ तोफान कुआपथर माड़ नष्ट होती प्रशासन पक्षर तदंत कर आवश्यकता रही सरकारी नियम अनुसार से ही चाषी मानक क्षतिपूरण देवा चाषी मैंने दावी करते जदि पाग आग को जो वर्षा लग रहे तेल व्यापक फसल हानि हमार संभावना रही रंजन जो भाव में चाषी मान व्यापक क्षय क्षति होता अदिनिया वर्षा और कुआपथर माड़ जो आप सूचना देते चाषी मान परिमाणर क्षय क्षति होहार आकलन करने कि पदक्षेप आग को नेबा जिला प्रशासन किसी प्रस्तुति कला कौन टीम गठन करा यार अनुधान करने के मात्र क्षय क्षति हो निश्चित भाव में एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न सेपटे चाषी संगठन राजपुरा समूह चाषी कृषक संगठन दावी कर जो अंचल में चाषी कुआपथर माड़ होती केते परिमाण कुआपथर माड़ रही केते परिमाण में चाषी पनीपरिया नष्ट होती मुग बिरी नष्ट होती तार आकलन कराऊपाई उभय कृषि विभाग और राजस्व विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारी मैंने टीम गठन कर तुरंत चाषी मान क्षयति आकलन कर दावी करते निश्चित भाव में प्रशासन चाषी दावी को सम्मान जन रंजन आम आशा करवा चाषी मान अदिनिया वर्षा और कुआपथर माड़ जो जो परिमाण क्षय क्षति घटी व्यापक मात्र कहते चाषी मैंने क्षय क्षति होता एटी सूचना देते आपड़ तेरे आप प्रतिनिधि रंजन कुमार देवता रही है बरगढ़ जहां अधिक अपडेट देते जगदलपुर अंचल में पखापाखि आठ रु दस टी पंचायत यह भाव में व्यापक मात्र पनीपरिया और फसल मुग एवं बिरी फसल नष्ट होता सूचना रही आग को यार करा जाए चाषी मानक उचित क्षतिपूरण प्रदान करा गले चाषी माने एभली समय रे टिके सहाय्य सहयोग पाई पारंते पूर्व धन्यवाद देबा को चाहिए रंजन आपनको समस्त सूचना पाई इटा भाटी रे श्वासरुद्ध होई चार श्रमिकों मृत्यु परे एक्शन मोड रे प्रशासन ढेंकानाल कंटाबनिया
कामलांग स्थित बेआईन इटाभाटी को जेसीबी लगाई भांगी प्रशासन। आज पांचटी बेआईन इटाभाटी माटी में मिशिता बेले आगक भी उच्छेद जारी रहा सबुटे मालिक फेरार होता बेले बेआईन इटाभाटी मालिकों विरोध में कड़ा कार्यानुषान जिलापा आक्शन मोड रे प्रशासन बुलिला जेसीबी भांगिला बेआईन इटाभाटी। ढेंकानाल जिला कोंटाबुनिया ब्राह्मणी नदी कूल में बेआईन भाव गढ़ी उठुवा इटाभाटी भांगी प्रशासन। माटी में मिशि पांचटी इटाभाटी इटाभाटी श्वासरुद्ध हो जड़े नाबालक समेत चारिज श्रमिकों मृत्यु घटना पर कार्यानुष्ठान जिला प्रशासन। ओड़ापड़ा तहसिलदार और हिंदोल एसडीपीओ उपस्थित बेआईन इटाभाटी को जेसीप द्वारा उच्छेद करपटे घटना पर गिरफ भय फेरार हो जाती इटाभाटी मालिक। जिलापाल कहते दोषी इटाभाटी मालिकों विरोध में हो कड़ा कार्यानुष्ठान तुरंत कार्यानुष्ठान नौ जमी इलिगल इटाभाटी आबनी आबर अफिसर भी पठे इनह्यूमान कंडीशन में जो लेबर मैंने रखिंट मालिक मैंने से आम तुरंत कार्यानुष्ठान नौ जो मैंने इलिगली इटाभाटी करुं मनीषंर जीवन प्रति जीरो रेस्पेक्ट अच्छी से मानक आम निश्चित भाव आईन अनुसार दंडित करने निश्चित भाव चेष्टा कर। अब तो वो लोग वहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर थे। वो लोग रात में काम किए, खाना पीना खाकर ऊपर सो गए। अच्छा, वो जो मर गए वो क्या लगेगा तुम्हारा? ओ, मेरे माँ बाप थे और भाई। तीन लोग थे? चार लोग थे लेकिन एक हॉस्पिटल में। वो लोग वहाँ पर सोए थे और झिल्ली का कपड़ा ये झिल्ली वैसे वो ऊपर ढाक दिया था। तो कैसे नहीं उठ रहा है करके ना ये लड़का गया उसकी यहाँ पर जो सुबह था वो जाके देखा तो तीनों का मतलब तीन आदमी का खत्म हो गया था और एक आदमी घायल था। कोंटाबुनिया और मोटोंगा निकटस्थ ब्राह्मणी नदी पठारे किलोमीटर व्यापी गढ़ी उठी बेआईन इटाभाटी। दीर्घ वर्ष धरी यही अंचल दस रु अधिक बेआईन इटाभाटी काम कर राज्य तथा तो राज्य बाहर श्रमिक मानक आनी एठारे कम मजूरी रे इटा घोड़ुछंती मालिक आउ एथिरु रोजगार करछंती कोटी कोटी टंका। गत दुई मास भितरे इटा भाटी रे 6 जन श्रमिकंकर मृत्यु होई सारछि। प्रशासन आसंती देखि दियंती कहबे जे इटा भाटी तुम बंद करो से रु बंद करंती दी तीन टा एगुडी आग्रह थला जेटा बंद होगला। आपण मानकर कोन समस्या होछि इटा भाटी तो आमर समस्या कोन तांग निज जागा रे सारु करछुने आमे गरीब लोक आमे कहिबो कोन डाउ। माटी रे मिसला बेआईन इटाभाटी फेरार मालिकों को खोजुचि पुलिस। ढेंकानाल रो आशीष रंजन शतपथी न्यूज 18 ओडिया। केन्दुपत्र तोलालिंको पाई खुशी खबर। संबलपुर चारमाले केन्दुपत्र संघर महासमावेश केन्दुपत्र कर्मचारी और तोलालिंको बड़ उपहार देते राज्य सरकार। बढ़ला दर बढ़ला बोनस उपकृत हे 9 लाख परिवार। वीडियो वार्ता माध्यम रे पखापाखि 200 कोटी टंकार पैकेज घोषणा कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। केन्दुपत्र तोलालिंको राज्य सरकार बड़ भेटी वीडियो वार्ता माध्यम रे पाखापाखि 200 कोटी टंकार पैकेज घोषणा कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। केन्दुपत्र तोलालिंकर बोनस 25% रु 50% को वृद्धि करिसेंती। एथिपई 98 कोटी टंका मंजूर होईछि। सीजनल कर्मचारी तथा ठिका श्रमिकों इनसेंटिव 5% रु 10% को वृद्धि पाइछि। एथिरे 11 कोटी मंजूर होईछि। हेड चेकरों दरमा 22,000 रु 26,000 को वृद्धि पाइछि। सेबरे 20 पत्र विड़ा 1.40 थी बेले एबे एहा 1.60 को वृद्धि पाई। 40 पत्र विड़ा 2.80 वृद्धि पाई 3.20 हो। 10 दिन मध्ये बोनस टंका मिलिबाकु थी बेले एप्रिल बा नुआ फसल वर्ष रे एही दर लागू हेबो। केन्दुपत्र तोलालिंको परिवार 2टी झियोर बाहागर पाई 25,000 टंका लेखाएं सहायता मिलिबो। सेपरि एही परिवार छात्र स्नातकोत्तर जाए छात्रवृत्ति पाई आवेदन को आउ मासे बढ़ा जाइछि। तोलाली मानकर
ତାଙ୍କର ତୁଳାଇ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳା ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କେ ଚାଳିଶରୁ ଟଙ୍କେ ଷାଠିଏ ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦରମା ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ଚାରମାଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 19ଟି ଜିଲ୍ଲା ତଥା 63ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୁଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଫେରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୁଳାଳି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିଠୁ ନେଇକରି କନ୍ୟା ବିବାହ ସହାୟତା ପୁନର୍ପଚଳନ କଥା, ପତ୍ର ଦାମରେ ବୃଦ୍ଧି କଥା, ତାପରେ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କଥା, ତା ସହିତ ବୋନସ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆମ ନବୀନ ସରକାର ଯାହା କହିଛନ୍ ଭଲ କରିଛନ୍, ଯାହା ବି କରିଛନ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ନବୀନ ସରକାର ଆମ ସରକାର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଆମ ଚିହ୍ନ। ଆଗକୁ GST ଉଚ୍ଛେଦ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରଥମ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା କମିଂ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଚଳିତ ମାସରେ ହିଁ ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି, ହେଲେ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଲେ ବିରୋଧୀ, କହିଲେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଲିପପ୍। କମିଂ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅଣ ମୁସଲିମ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ନାଗରିକତା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା, ପଞ୍ଜାବର ସମସ୍ତ 13 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ଏଥିସହ ଏକମାତ୍ର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଆସନରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ନିଜେ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଜାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଆସନ ବୁଝାମଣାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ତାଙ୍କ ଦଳର ସହଯୋଗୀ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆପ୍ ପଞ୍ଜାବବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏମିତି କହି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସିଂ ମାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 12 ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବିହାର ୱାର୍, ବିଧାନସଭାରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ସାମ୍ନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ନୀତିଶଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥରର ଫ୍ଲୋର୍ ଟେଷ୍ଟ JDU ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ମହାପରୀକ୍ଷାର ବେଳ। ରାଜନୀତିରେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ, କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ। ଏଥର RJD, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମ ଦଳର ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଛାଡ଼ି BJP କୋଳକୁ ଯିବା ନୀତିଶଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋର୍ ଟେଷ୍ଟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। 243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର 122। ବର୍ତ୍ତମାନ JDU, BJP, NDA ପାଖରେ 128 ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ RJD, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମ ଦଳର ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପାଖରେ 114 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି 8, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ଫ୍ଲୋର୍ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଆଉ ନୁହେଁ, ଏଥର ମରିବା ଯାଏ ସେ NDA ସହ ହିଁ ରହିବେ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି JDU ବିଧାୟକ ଅନ୍ରିଚେବୁଲ୍ ଥିବାବେଳେ କିଛି BJP ବିଧାୟକଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। NDA ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆୱାମି ମୋର୍ଚ୍ଚା ମୁଖ୍ୟ ଜିତନ ରାମ ମାଝୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ଏଥର ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ JDUର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ପଦରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ। JDUର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ଫିଗର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ନେଇ ଏଯାଏଁ କେଉଁଠି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଫ୍ରେମ୍ରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। JDU ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ଥିବା ବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା କାଳେ ଲଲନ ସିଂ। JDUର କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ RJD ବସ୍ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ, ତେଜସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏପରିକି ଲଲନ କାଳେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୀତିଶଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ମଙ୍ଗ ଧରାଇ ଦେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ନୀତିଶଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ।
पाकिस्तान आज प्रतिवाद डाकरा दे इमरान खान को दल पीटीआई सारा देश में निर्वाचन फलाफल घोषणा विलंब प्रतिवाद विरोध कर पीटीआई प्रतिवाद को शांतिपूर्ण रखा दल लोक अनुरोध करवाचन शेष होवार तीन दिन बीती जाते वर्तमान सुधा समस्त आसन फलाफल घोषणा कर वर्तमान सुधा आसी फलाफल देश में झूला संसद हो छब्बीस दिन हेब राज्यव्यापी समूह छुट्टी प्राणी चिकित्सक आउंपी प्रभावित तो होई प्राणी चिकित्सा केवल प्रभावित तो होई नहीं बरं चिकित्सा नपाई जीवन मृत्यु सहित संग्राम करुंक जीवजंतु जार ज्वलत तो उदाहरण ढेंकानाल जिलापा कार्यालय आगर यह दृश्य जिलापा कार्यालय आगक जीए नजर पकाऊ पोषा कुकुर को साथी आसी तो आउ किए छेली को काखरे बोही बोही आसी तुरंत एम चिकित्सा करा नगले ए निरीह जीवजंतु सबू मृत्यु मुखरे पड़ा सुनिश्चित एभली घड़ीसंधि मुहूर्त में प्राणी चिकित्सकों समूह छुट्टी एम आकल नवेदन शुणा को सते जमी कहीं नहांती सबड़े निज जिद्रे अटल प्राणी चिकित्सक आलर्जी रही दुई तीन मस गोटे मस पर ट्रीटमेंट होता पर आम बीबीओ सर को देखा कलु सी शुणुना अलावाणी पशु चिकित्सा देखा कलु सी शुणुना कई किसी शुणुना मैंने तो कहते हैं स्ट्राइक चलिए आम कि शुणुनि स्ट्राइक चलिए आम चिकित्सा करूनि से तो दाबी पूरण होगा निहाती दरकार गाई भी डेलीवरी ठीक रे नहले भी आम तार भी बहुत असुविधा हलुँ आप मेडिकल आसिक पचारे आसिक ना सार ना कौन सार ना ना स्ट्राइक हो कौन स्ट्राइक आम तो किसी जानू तेणु आम चाहूँ किमी से सार मैंने जो स्ट्राइक करट्राइक दाबीटा पूरण हो जाऊ पूरण होथाशीघ्र आम पशु मान सेवा कले आम चिरकृतज्ञ हबू एक्चुअली मेरा डॉग का कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है जो भी डॉक्टर्स को मैं बोल रही हूँ वो बोल रहा है कि हम भी स्ट्राइक पर है तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे एक्चुअली इसका किडनी इश्यूज है तो इसको अभी सलाइन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ खा नहीं रही है बट क्या करूँ हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रही हूँ वहाँ से भी डॉक्टर बोल रहा है हम लोग स्ट्राइक पे है प्राइवेट क्लिनिक पे जा रहे हूँ वहाँ भी वो डॉक्टर्स बोल रहा है हम लोग स्ट्राइक पे है कौन सी सुविधा एपर्यंत सरकार ये मुख प्राणी करना कि मुख प्राणी जो मैंने चिकित्सा कराक्तर किसी करना आम जो आज आसीचु राजरास्ता को ओल्लु सामूहिक छुट्टी अच्छा आम मन को भी भल लगुनि आमर गोटे या पक्ष गोटे महत्व उद्देश्य हूँ जे ग्रामीण अर्थनीतिर अभिवृद्धि हो चाषी मैंने भल सेवा पातु निःशुल्क निरामय सेवा पातु एवं ए विभाग रूपांतरण हो जोटा कि व्यापक गोटे परिवर्तन आणव समाज में बढ़ी भत्ता मधुबाबू पेंशन योजना रे 500 टंका वृद्धि पर हिताधिकारी महल में एवं खुशी माहौल सेपटे सरकार यह जनहितकारी कहता बेले विरोधी कहते हिताधिकारी सरकार आंतरिकता ना भत्ता वृद्धि केवल निर्वाचन ललिपप 500 रुपया था नहीं 1000 रुपया बढ़ला नवीन बाबू पड़ेन बाबू अमर कतक सुन ला यारी 1000 रुपया बढ़ाई दे लाई नवीन बाबू आम कथा शुणिले आउ भत्ता 1000 टंका बढ़ाइले एभली ढंग से कृतज्ञता जणाइछन्ती नवरंगपुर हिताधिकारी कुंती मधुबाबू पेंशन योजना रे 500 टंका वृद्धि करछन्ती सरकार फलरे योजना रे सर्वनिम्न सहायता राशि होईछि 1000 टंका पूर्वर हिताधिकारी यथाक्रमे 500, 700, 900 टंका पाउथले एबे सेमाने पाइबे 1000, 1200 ओ 1400 टंका एथिरे वरिष्ठ नागरिक विधवा भिन्नक्षम अविवाहिता महिला कुष्ठरोगी एड्स रोगी छाड़पत्र पाइथिबा महिला तृतीय लिंगी कोविड द्वारा प्रभावित होइथिबा अनाथ पिला ओ विधवांक सहित अन्यान्य दुर्बल श्रेणीर व्यक्ति लाभ पाइबे आउ भत्ता वृद्धि परे हिताधिकारीक खुशी कहिले न सरे बड़ी सुविधा है आम के भी सर्दा लगला जा किसी पने आम शाग चोर गेनी गायबा खाते असुविधा है तेरे आज्ञा एवं 500 बढ़ला आले 1000 बढ़ला आले आम के सुविधा है नवीन बाबू के आम के बेसी बेसी धन्यवाद तो वालों को 500 पाउ थी एवं 1000 पाइबू कम रे पनीपरिया कौन चला चुल रे कम थिला एवं टिके भल रे चली पारबू 500 मिलबा मिली थिला एवं 1000 हेले खुशी परिवार पतर घिनी करी आरी चलबा खेबू खुशी तो यार 1000 टंका मिललानी बोले खुशी है सेपटे मधुबाबू पेंशन योजना रे सहायता राशि वृद्धि परे आरंभ होई छि बयानबाजी बीजेडी एहाकु जनहितकारी निष्पत्ति कहितबा बेले विरोधी निर्वाचन सह जोड़ी मंत्री अशोक पंडा कहते वर्धित पेंशन हिताधिकारी चलित फेब्रुआर पाइबे तेज बीजेपी राज्य उपसभापति लेखाश्री सामत सिंह कहते
ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଲଲିପପ୍ ଭରାଇ ମିଛ ଆଶା ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ହେଲେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଭତ୍ତା 3000 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେହିପରି ପିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବା ପଛରେ ରହିଛି ଭୋଟ ରାଜନୀତି। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ମାସିକ 370 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ ବା ବ୍ୟୟ ହେବ। 23 ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପେକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିକି ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବୁ, ଭତ୍ତାକୁ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ। ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଇଲେକ୍ସନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ କାଲି ଗଲେ ପୁଣି ସେଟାକୁ ରିଭ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ଆଜି 1400 ଦେଉଛନ୍ତି କାଲି ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଯିବେ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ, ଫଳରେ ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ 36.75 ଲକ୍ଷ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, କୋରାପୁଟରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାରଣା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହିତ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ଓ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କର ନର୍ସରୀ ଫାର୍ମ ଥରେ ଫାର୍ମରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଭୋକ ଶୋଷ ହଜି ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଔଷଧୀୟ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ବୃକ୍ଷଚାରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବା ଚାରା, ଆଉ ଚାରା କିଣିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ସହିତ 9 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ମର ମାଲିକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପତି। ଏହି ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କର ନର୍ସରୀ ଫାର୍ମ, ଯାହା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମଡେଲ ନର୍ସରୀ ଫାର୍ମ ଭାବରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଧା ଏକରରୁ ଅଧିକ ପରିମିତ ଜମିରେ ରହିଛି ଫାର୍ମ। ଏହି ଫାର୍ମଟି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗରୁଆଳା ଅଞ୍ଚଳର ତ୍ରିଲୋଚନ ପତି। ଔଷଧୀୟ ଜଙ୍ଗଲୀ ବୃକ୍ଷ ଚାରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବା ଚାରା ଲଗାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ବାର୍ଷିକ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ। ଏହାସହ 9 ଜଣ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ରୀ ଭାଇଙ୍କର ଚାରା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଫୁଲ ଫଳ ଆଡ଼କୁ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଫଳ ଫୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କ ଆଇଟମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ନଡ଼ିଆ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଏମିତି ସବୁ ଫଳ ରଖୁଛି। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ବି ଆପଣ ଚାହିଁପାରିବେ ଶଙ୍କର ନର୍ସରୀରେ ମିଳିବ, ଯୋଉଠି ବି ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଠି ସବୁକିଛି ମିଳିପାରିବ। କଟକ, ନିଆଳି, ବାଙ୍କି, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, ବହୁତ ଯୋଉ ଦୂର ଦୂର ଆସିକି ଲୋକ ଏଠି ଚାରା ନେଇକି ଉପକୃତ ଆମ କତିରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ, ପିଜୁଳି, ସେପେଟା, ଆତ, ଲିଚୁ, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ଚାରା ସହ ଗେଣ୍ଡୁ, ମନ୍ଦାର, ଗୋଲାପ, ଜିନିଆ, ଟଗର, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଜୁଇ, ଜାଇ, ହେନା, ଆହୁରି କେତେ କଣ। ସିଜନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାରା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲୀ ବୃକ୍ଷ ଚାରା ସହ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମସଲା ଓ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଚାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ସତରେ ଏହି ଫାର୍ମଟିକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିଯାଉଛି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାରା ମିଳୁଛି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ମନ ତ ଖୁସି ହବ ନିହାତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଆମେ ଏଠି ନର୍ସରୀରେ କୋବି ଚାରା କରୁଛୁ, ବାଇଗଣ କରୁଛୁ, ଲଙ୍କା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଭଣ୍ଡା କରୁଛୁ, ସବୁ ଭେରାଇଟି କରୁଛୁ ଆଉ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଦେଖିବେ, ଝାଡ଼ ଭଳିଆ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିବେ, ଏଡ଼ି ବକଟ ଗଛରେ ଗତ ବର୍ଷ 4 କିଲୋ ଆମ୍ବ ମୁଁ କରିଥିଲି, ପାଇଥିଲି। ତେଣୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିସମର ଫଳ ଫୁଲ ଗଛ ବି ଏଠି ଆଣି ରଖିଲେଣି। ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଘର ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଆର ସବୁ ପାର୍କ ସଜେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କର ଗଛ ଏଠୁ ବହୁତ କିସମର ନେଉଛନ୍ତି। ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଫାର୍ମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ନର୍ସରୀ ଫାର୍ମଟି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଏକ ମଡେଲ ଫାର୍ମ। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।